सदगुरु की साजी नवाजी गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए निरंकार जी। आज का टॉपिक है निरंकार के बिना मन भूत बंगला है। गुरु प्यारी सत्संगत जी, हम देखते हैं, हम बड़े बड़े खंडरों में जब जाते हैं वहाँ पर कोई नहीं रहता है, जहाँ कभी राजे महाराजे रहा करते थे। आज भी हम देखें कई ऐसी हवेलियाँ होती हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता है, हवेलियाँ ऐसी ही पड़ी हैं। तो फिर हम इसे कहते हैं कि भूत बंगला है, जहाँ पर कोई नहीं रहता है, जहाँ पर बिल्कुल सुनसान जगह है, जहाँ पर बिल्कुल गंदगी है। तो फिर वो जगह जो होती है वहाँ पर एक निगेटिव वाइब्रेशन होता है, और फिर इंसान कहता है कि यहाँ तो फिर भूतों का डेरा है। तो अब ज़रा सोचिए कि एक हम हवेली, कोई घर मकान जहाँ पर कोई नहीं रहता है, बहुत टाइम से वहाँ ताला बंद है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर तो गंदगी गंदगी होगी, मकड़ी के जाले होंगे, सांप बिच्छू का, जानवरों का फिर वहाँ डेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर समझाने का प्रयास यही किया जा रहा है, एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक मकान के द्वारा, कि जिस घर में हम रहते हैं अगर उस घर की साफ़ सफाई हम नहीं करेंगे, और अगर हफ्ते महीने या साल भर उस घर में हम ताला बंद कर दें और कहीं चले जाएं, तो फिर उस घर का हाल क्या होगा? फिर उस घर में तो एक निगेटिव वाइब्रेशन होगा। तो इसी प्रकार ये हमारा मन भी एक घर की तरह है। तो मन में अगर कुछ भी नहीं है, मन में हमारे गंदगी है, मन में अगर हमारी निगेटिव विचारधारा बनी हुई है, तो फिर मन हमारा भ्रम में फंस जाता है। आज अंधविश्वास में हम पड़े रहते हैं, हम देखते हैं कि खुद की परछाई से भी डर लगता है। आज के आदमी को हम देखते हैं अंधेरे में, जब कभी कभी एक चांदनी रात होती है ना, तो खुद की परछाई को भी इंसान भूत समझ लेता है। तो इस प्रकार इंसान अपनी परछाई से डरता है, क्योंकि वो भ्रम में है, अज्ञानता में है, अंधविश्वास में है। और आज हम देखते हैं कि दुनिया भ्रम में फंसी हुई है, अंधविश्वास में फंसी हुई है। तो फिर सदगुरु हमें समझाते हैं कि आओ ब्रह्म का ज्ञान ले लो, ब्रह्म को जानो, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि जब इस निराकार ब्रह्म को जान लोगे तो सारे ब्रह्म अपने आप समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। कि जब इस परमात्मा को हम जान लेते हैं, इस निरंकार को जान लेते हैं, तो हमारे मन से सारे भ्रम भ्रांतियों का खात्मा हो जाता है, मन से सारे भ्रम मिट जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आओ परमात्मा को जान लो, ब्रह्म का ज्ञान ले लो। पूरा सदगुरु दुनिया में आया है और ये परमात्मा के साथ में हमें मिलाता है। तो जिस मन में निरंकार नहीं है, जो निरंकार को नहीं जानते हैं, वो हमेशा अंधविश्वास में, भ्रम में, भ्रांतियों में जकड़े हुए रहते हैं। आज हम गाँव में जाकर देखें तो गाँव के हालात कैसे हैं। दास अभी टूर में गाँव पर गया था, तो गांव में देखा तो बहुत सारा अंधविश्वास, एक पाखंड, कुरीतियाँ, एक भ्रम वहाँ देखने को मिले। तो ये सारे भ्रम भ्रांतियाँ, अंधविश्वास दूर कैसे होते हैं? जब हम निरंकार को जान लेते हैं, जब ब्रह्म ज्ञान हमें हो जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। तो निरंकार को जानने के बाद मन हमारा निर्मल हो जाता है, जब ज्ञान हो जाता है, जब हमें रोशनी मिल जाती है ज्ञान की, तो ज्ञान की रोशनी में सब कुछ साफ नज़र आता है। अब हम देखें कि कहीं अंधेरी रात है या किसी घर में बहुत अंधेरा है, तो एक रस्सी भी साफ नज़र आती है, लेकिन अगर वहाँ पर उजाला कर दिया जाए, लाइट, ट्यूबलाइट बल्ब जला दिया जाए, तो फिर वहाँ पर सब कुछ साफ नज़र आएगा। ये रस्सी है, हम इसको अंधेरे में साफ समझ रहे थे। तो हमेशा अंधेरे में ही ठोकर लगती है, और इंसान डरता कब है? जब उसके मन में अज्ञानता होती है। जब अज्ञानता है तो जीवन में भय है, अज्ञान और अंधकार ही भय है। तो अगर निर्भय बनना है तो निरंकार को जानना पड़ेगा, निरंकार के साथ में हमें जुड़ना पड़ेगा। फिर जब निरंकार को जान लेते हैं, तो जो निरंकार को जान जाता है, फिर वो निर्भय हो जाता है। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है, जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है, कहे अवतार ज्ञान के बिन यह मालिक याद न आता है। तो मन को इस ज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा, जग के मालिक निरंकार के साथ जोड़ना पड़ेगा, मन को मजबूत बनाना पड़ेगा। और मन मजबूत बनता है केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़कर। तो मन का नाता इस प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि निरंकार के बिना मन भूत बंगला है। इस मन में अज्ञानता का अंधकार है,
तो जब मन में अज्ञानता का अंधकार रहेगा तो मन भ्रम भ्रांतियां जादू टोने भूत प्रेत के चक्कर में फंस जाएगा। आज हम देखते हैं कि जो ये जो जादू टोने होते हैं भूत प्रेत की बातें होती हैं ये कमजोर मन उसके शिकार हो जाते हैं, लेकिन जो मन मजबूत है मजबूती के साथ में निरंकार के साथ जुड़ा हुआ है जिसे ये एहसास हो गया है कि कन कन में है सूरत तेरी पात पात पर तेरा नाम इधर उधर चौहोर निहारू तेरी सूरत मेरे राम कन कन में है परमात्मा रोम रोम में है राम तो फिर वो निर्भय हो जाता है। तो हमें इस ब्रह्म निराकार के साथ जोड़ा गया है, हमारे सारे भ्रम समाप्त कर दिए सदगुरु ने, ब्रह्म का ज्ञान दे दिया है और बता दिया है कि ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। तो जो ब्रह्म को जान लेता है तो उसके सारे भ्रम भ्रांति समाप्त हो जाते हैं। तो आइए प्यारे सात संगत जी, हम भी इस निराकार को जान के मन में केवल और केवल निरंकार को बसाएं, मन को मजबूत बनाएं, स्ट्रांग बनाएं। प्यारे सात संगत जी, प्यार से बोलिए दंडनकार जी।